हमारा, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। मेरा छोटा सा एक जवाब है हमारे भिखारियों को, इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरानों को, कि आज आप देख ले पूरा कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और भिखारियों के लिए एक छोटा सा मैसेज और भी है कि तुमने इस मुल्क को मकरूज किया है, तुमने इस मुल्क की जायदाद लूट कर अमरीका में लंदन में जायदादें बनाई हैं, और इंशाल्लाह हमारा वजीर आजम दोबारा आएगा और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस्लामी मुमलिकत साबित करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हमें हमारे खान ने बुलाया, हमारी पाकिस्तान की जान ने बुलाया, और हम इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे के साथ आए, और इंशाल्लाह इस हुकूमत को हम गिराएंगे, लाजमी गिराएंगे, ये चलेगी नहीं। जलसे में तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से माशाल्लाह कराची का आवाम जाग के उठा है, इंशाल्लाह इसका मतलब यही है कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान चंद हफ्तों में दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पेशावर में एक जलसा हुआ था, लेकिन पेशावर का डबल जलसा कराची ने करके दिखाया, और कराची ने साबित किया कि कराची लोटों के साथ नहीं है, कराची इमरान खान के साथ है, और कराची हकीकी आज़ादी के साथ है। हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और हम पाकिस्तान के लिए आए, हम पीटीआई के लिए नहीं, हम पाकिस्तान के लिए आए हैं। हम हैं पीटीआई के सपोर्टर, लेकिन हम आए पाकिस्तान के लिए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और हमारे खान को वापस लेके आए। कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ और पीटीआई गवर्नमेंट का, और ये धांधली नहीं चलेगी। सिस्टम हैज टू चेंज, इट कैन नॉट बी द सेम सिस्टम अगेन एंड अगेन, ट्राई टेस्टेड एंड फेल, ट्राई टेस्टेड एंड फेल। मैं ये पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को अपने दिल की आवाज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ये आज वो डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान में 1940 के बाद 2022 कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के मौजूद लीडरशिप में हमने जो पाकिस्तान आज़ाद किया था, अब इमरान खान की लीडरशिप में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा से गुलामी से आज़ाद कराएंगे। आपने अर्तगुल देखा, अगर अर्तगुल में 1300 साल पहले गद्दार थे तो आज क्यों गद्दार नहीं है, ये गद्दार इनको क्यों नहीं कौम को नजर आते। हम इस मुल्क का इंशाल्लाह हमारी नस्लें भी, हम भी मुकद्दर बदलने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा इमरान खान के साथ लगाएंगे। जो इस मुल्क में हुआ है, जो ज्यादती हुई है, उसको ख़त्म करने आए, खान साहब को सपोर्ट करने आए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। डू यू रियली बिलीव कि खान साहब के खिलाफ साजिश हुई है या मदाखलत हुई है? सर साजिश है, साजिश है, खिलाफ है, इनके खिलाफ ये किया कि वो अच्छा काम कर रहे थे, वो भी एक साजिश है जी। आ गया जी, सर थोड़ा आ गया, मदाखलत भी एक साजिश है जी। इस वक्त कौम को खड़े हो जाना चाहिए और इस वक्त हमें एक कॉज के लिए इनका साथ देना चाहिए ताकि हम एज अ नेशन, अगर हम साथ नहीं देंगे तो हर बार यही होगा और फिर हम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते।